राजस्थान के सीकर में 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे पिपराली रोड पर गैंगस्टर राजू ठेठ की कुछ हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरी वारदात को अंजाम राजू ठेठ के घर के दरवाजे पर दी गया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बदमाश फायरिंग करते हुए वहां से निकल रहे हैं। अब इस वारदात के 24 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक टीम को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी फायरिंग के बाद मुठभेड़ में अपराधियों को बाद में पकड़ा गया, जिसमें 2 को गोली लगी। इस वारदात में गैंगस्टर राजू ठेठ के अलावा ताराचंद कड़वासरा नाम के एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जो वह व्यक्ति कोचिंग में पढ़ रही अपनी बेटी से मिलने आया था। बदमाशों ने उसको भी गोलियां मार दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने कड़वासरा को गोली मारने के बाद उसकी कार की चाबी छीनी और फरार हो गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने गिरफ्तारी के बारे में बताया कि पुलिस ने सीकर निवासी मनीष जाट और विक्रम गुजर के अलावा हरियाणा के सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल को पकड़ा है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कल सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को मैं हथियार व वाहन गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी आरोपियों को त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के मुताबिक 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर के पास डाबला से दबोचा है, जबकि बाकी 3 बदमाशों को झुंझुनू के पोंख गाँव से गिरफ्तार किया। इनमें 4 शूटर है। पुलिस गिरफ्त में आए 2 बदमाशों का सीकर के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार शूटर्स में 2 मनीष जाट व विक्रम गुजर सीकर के ही निवासी है। इसके अलावा सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार व चोरी की क्रेटा गाड़ी भी बरामद की है। 30 से ज्यादा आपराधिक मामले वाले 43 साल के राजू ठेठ की दुश्मनी खतरनाक अपराधी आनंदपाल सिंह से थी, जो जून 2017 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। शनिवार को ठेठ को गोली मारकर हत्या करने के बाद रोहित गुदारा ने फेसबुक पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य के रूप में बताते हुए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बनुड़ा की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।